आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफोसिस स्टॉक के बारे में। रिसेंट में हमने देखा कि अराउंड 12 मिलियन डॉलर के आसपास का जो इंफोसिस के द्वारा डाइवेस्टमेंट किया गया है ट्रिफेटका कंपनी में, जो इसकी होल्डिंग थी अराउंड इंटायर स्टेक ही डाइवेस्ट कर दी। और इस समय देखेंगे तो ये स्टॉक काफी ट्रेंड में चला हुआ है। चूंकि इस स्टॉक के ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूअस लोअर साइड ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यूएस के जो आईटी स्टॉक है वो काफी अंडर परफॉर्म ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इस समय इस स्टॉक में देखेंगे तो ये अपने मेजर सपोर्ट 1450 के आसपास के ट्रेड पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में एक अपकमिंग सेशन में रैली दिख सकता है 1480 तक के लेवल इजिली विद स्टॉप लॉस बिलो 1420, या 1420 के नीचे के एसएल को लगा करके 1480 टू 1500 तक के इजिली लेवल्स दिख सकते हैं। चूंकि जिस प्रकार से स्टॉक को देखें तो कंटिन्यूअस कई दिनों से इवन 1620 के प्राइस से इस स्टॉक में वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिखा, बहुत सारे गैप्स दिखने हैं, तो 1520 तक के गैप्स इजिली भरते हुए दिख सकते हैं। बाकी बात रही बोनस की, तो बोनस एज एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट टू क्वार्टर में आने वाले क्वार्टर में आते हुए दिख सकते हैं। इस समय बोनस की कुछ न्यूज ट्रेंड होते हुए नहीं दिख रही है। साथ में एक स्टॉक है जो श्योरली आपको रडार पे लेना चाहिए, मान इंफ्रा 98 पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। 120-140 तक के इजी लेवल मान इंफ्रा के स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको देखने को